सहारनपुर में विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर पीड़ित ने पुलिस से गुहार लगाई है। मामला नानोता क्षेत्र का है, जहां अफगानन निवासी अब्दुल मलिक के बेटे को कुछ वर्ष पूर्व एजेंट ड्राइवर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर अपने साथ सऊदी अरब ले गया और अब ना तो आरोपी फोन उठा रहा है और ना ही उसकी बात करा रहा है। आरोपी का कहना है कि उसके बेटे को कंपनी में नौकरी न दिलाकर किसी और जगह पर नौकरी पर लगवा दिया है। क्या नाम करम इसके बाप हमारा बच्चा कौन बोला जमील जमील ने कहा कि तुम्हारा बच्चा सऊदीया में बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा और मेरा साथी है एक उस साथी के पास मैं छोड़ दूंगा इसको तो उस दिन से ले गया और आज तक हमारे से कोई इसकी बात नहीं कर रही। अच्छा ना इससे हमारे से मिलाया। अच्छा भाई तो मैं दरख्वास्त करती हूँ बड़े भाइयों की मंत्रियों की सिपाहियों की सर अपनी सरकार से मांगती हूँ मैं दरख्वास्त करती हूँ अपनी तस सरकार से कि मेरा बच्चा दिलाया जाए मुझे अपनी बहन की बात सुन ले मेरा मेरी सरकार में हिंदुस्तान की लड़की तो मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। और हमें पता चला है किसी और से कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके बेटे से बात नहीं करा रहा है और उनके बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में गहनता से जांच कर यह प्रयास किया जाएगा कि बच्चे की जानकारी प्राप्त की जाए और उनके परिजनों से उस बच्चे की बात कराई जा सके। इस संबंध में थानाध्यक्ष ननौता को निर्देशित कर दिया गया है कि जो एजेंट के परिवारजन हैं उनसे एजेंट का नंबर लेकर के बातचीत करके। वहीं परिजनों ने बेटे की सकुशल बरामदगी को लेकर प्रधानमंत्री सहित अधिकारियों से गुहार लगाने की मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुनीर की रिपोर्ट।